खादिम हज़रात, जैसा कि हमने आपसे अर्ज़ किया था कि हम आपकी मुलाकात एक मेहमान से हर हफ्ते कराएंगे, एक नए मेहमान से, क्योंकि आज हमारा पहला प्रोग्राम है और आई एम बीइंग ऑनर्ड कि हमारे साथ जो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं द कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद आकिल नदीम, और उनकी बहुत बहुत मेहरबानी है कि वो अपने वक्त से बहुत कीमती उसमें वक्त से निकाल के तशरीफ़ लाए। तो आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने की दावत दी, और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम शुरू करने का इरादा किया है जिसमें कि ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो उनके मुख्तलिफ मसाइल पर बात होगी, उन पाकिस्तान में जो मसाइल चल रहे हैं या जो पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में अपने जाने देखने वालों को इन्फॉर्म करेंगे। और आई थिंक ये आपका बड़ा एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होगा अगर ह्यूस्टन में पाकिस्तानी कम्युनिटी को इन चीज़ों के बारे में, पाकिस्तान में डेवलपमेंट के बारे में, पाकिस्तान में काउंसलेट के बारे में, कम्युनिटी के इश्यूज़ के बारे में मालूमात मिल सकें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें जो आपसे सीखने का मौका मिला, इसलिए नहीं कि आप तशरीफ़ रखे हैं तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि ख़ादिम हज़रात, मैं आपको यहाँ ये ज़रूर मेंशन करता चलूँ कि बहुत से मुल्कों में रहने का जाने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक के बहुत कम देखने का इत्तेफाक हुआ कि वी हैव आई थिंक वी आर वेरी लकी टू हैव सच अ ग्रेट काउंसिल जनरल हु इज़ नॉट ओनली कॉम्पिटेंट इंटेलिजेंट, बल्कि इन्होंने दे ही ट्राइड टू पुट द कम्युनिटी टुगेदर एंड डन यू नो अ ग्रेट जॉब इन द कॉन्सलेट ऑल्सो। सर, आप नेचुरली पहले भी काफ़ी जगहों से आपका जाना आना रहा, आप का जो तजुर्बा है डीलिंग विद ह्यूस्टन पाकिस्तानी कम्युनिटी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? खालिद साहब, मैं तकरीबन 27 साल हो गए मुझे पाकिस्तानी फॉरन सर्विस में, और मैंने मुख्तलिफ जगहों पर सर्व किया है जहाँ पर बाज़ जगहों पर कम्यूनिटी ज़्यादा भी थी और बाज़ जगहों पर ना होने के बराबर थी। मसलन लंदन में बहुत बड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटी थी, ग्रीस एथेंस में मैंने काम किया, वहाँ पर इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ताजिकिस्तान दुशांबे में भी कुछ बहुत कम लोग थे, और इसी तरह इंडोनेशिया में भी काफ़ी कम लोग थे। लेकिन जो ह्यूस्टन का मेरा एक्सपीरियंस है, बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस है इन द सेंस के यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड कम्युनिटी है। लंदन में मेरा चूँकि पहली असाइनमेंट थी तो वहाँ पे कम्युनिटी के साथ काफ़ी क्लोज इंटरेक्शन रहा, और वहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो क्वालिटी है कम्युनिटी की इन द सेंस के एजुकेशनल सिचुएशन क्या है, मेन स्ट्रीम बिजनेसेस में रिप्रेजेंटेशन क्या है, मेन स्ट्रीम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो ह्यूस्टन इस मामले में बड़ा लकी है, और इसमें हमारी कम्युनिटी की का बहुत बड़ा रोल है जो कि उन्होंने मेन स्ट्रीम में अपने आप को इतने जल्दी एडजस्ट किया और एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी समझी जाती है। आप देखिए, हमारी कम्युनिटी में मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लेते रहे हैं 6 साल तक, यहाँ पे आपके ह्यूस्टन सिटी काउंसिल के मेंबर एक पाकिस्तानी ओरिजिन के पाकिस्तानी अमेरिकन रहे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन 2-3 और कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शंस में हिस्सा लिया, वो कामयाबी नहीं हुई, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने अपनी इंटेंशंस शो कर दी कि वो अमेरिका में आए हैं, अमेरिकन सोसाइटी में असिमिलेट होंगे और इस सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन पॉलिटिकल और अदरवाइज भी देंगे, और ये बड़ी खुशी की बात है, और इससे आपकी कम्युनिटी का एक पॉजिटिव इमेज जो है वो डेवलप होता है, और उससे ये लगता है कि आपने इस मुल्क को अपना मुल्क बनाया है और आप इस मुल्क की तरक्की में उसी तरह शरीक होना चाहते हैं जिस तरह दूसरे लोग दूसरे अमेरिकन जो हैं उस तरक्की के प्रोसेस में शामिल हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और आप इस बात से अंदाज़ा करें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे अच्छे जॉब्स कर रहे हैं, अच्छी पोजीशंस में हैं, सिर्फ ग्रेटर ह्यूस्टन के एरिया में आप
देखें कि तकरीबन 800 के करीब पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जो कि एक बड़ा ही अच्छा मुल्क के बारे में इमेज कन्वे कर सकते हैं, मुल्क की तालीम के बारे में, मुल्क के लोगों के बारे में, मुल्क की सकाफत के बारे में एक बड़ा अच्छा इमेज कन्वे करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जहाँ भी मेन स्ट्रीम में जहाँ पे भी बातचीत हुई है, वहाँ पे लगता है कि पाकिस्तानी कम्युनिटी का इम्प्रेशन बहुत अच्छा है, और ये सिर्फ इस वजह से है कि एक बड़ी पढ़ी लिखी समझदार कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद है। थैंक यू सो मच सर, दैट इज़ वेरी ट्रू एंड वी आर प्राउड ऑफ इट कि पाकिस्तानी अव्वल तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ कहीं भी हैं दे आर वेरी सक्सेसफुल, और यहाँ इन पर्टिकुलर आपकी बिल्कुल सही आपकी ऑब्जर्वेशन है और इंटरेक्शन है कि वी आर रियली डूइंग ग्रेट। मेरा अगला सवाल आपसे सिर्फ ये है सर कि आप पाकिस्तान के बारे में जो आज कल की सिचुएशन उसके बारे में क्या फरमाना चाहेंगे? कल साहब मैंने महसूस किया है कि यहाँ पे पाकिस्तान से बाहर जो भी पाकिस्तानी है वो राइटली पाकिस्तान के बारे में बहुत फिक्र करते हैं, और उनकी उनकी ख्वाहिश होती है और सारे पाकिस्तानी की ख्वाहिश होती है कि मुल्क ज़्यादा तरक्की कर सके और मुल्क से अच्छी खबरें आएँ। लेकिन पिछले 3-4 सालों में सिक्योरिटी सिचुएशन में थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए हैं, लेकिन हमें उसके साथ ये भी देखना चाहिए कि ये सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो हैं ये एक दिन की पैदावार नहीं है, ये एक लंबे अरसे की पॉलिसी है जो इसका जिसका ये तसलसल है। तकरीबन आज से 30 साल पहले एक पॉलिसी इख्तियार की गई जिसकी वजह से दुनिया भर से जिहादियों को और एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को पाकिस्तान में लाया गया, और उसमें हुकूमत अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था और उसमें CIA भी इन्वॉल्व थी। वो अब ये बहस हम नहीं करना चाहेंगे कि वो अच्छी पॉलिसी थी या गलत पॉलिसी थी, लेकिन अभी अपेरेंटली यही लग रहा है कि वो शायद सही पॉलिसी नहीं थी, या ये अमरीकी हुकूमत से ये गलती हुई कि उन जिन लोगों को बुलाया गया था उनको प्रॉपरली उस पूरी सिचुएशन को वाइंड अप नहीं सही तरीके से किया गया, और वो लोग वहीं पे बस गए और वो अपने एक्सट्रीमिस्ट आइडियालॉजी जो है वो उसको वहाँ पे वो फ़रोग देते रहे। तो अब ये सिचुएशन जो है 1-2-3 सालों में डेवलप नहीं हुई है, इसमें पिछले 4-5 सालों में इंटेंसिटी आई है, वो इस वजह से कि हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इन एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाएगी, और इनको ये इनकी मौजूदगी जो है ना हमारे लिए मुनासिब है, ना हमारे लिए फ़ायदा मंद है, ना इंटरनेशनल कम्यूनिटी के लिए फ़ायदा मंद है। उस वक्त इंटरनेशनल कम्यूनिटी ने एक गलती की और अब उस गलती का खमियाजा हम लोग भुगत रहे हैं, लेकिन ये हमारा फैसला है कि अब उस गलत जो काम किया गया था उसको ठीक किया जाएगा। तो उसको अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिसके लिए हमारे आप देखें कि हमारे फौजी जाने कुर्बान कर रहे हैं, हमारे सिविलियंस जो हैं वो हिट हो रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ डिटर्मिनेशन है कि हम इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देंगे। आपने स्वात में देखा कि आलमोस्ट स्वात में इन एक्सट्रीमिस्ट ने कब्ज़ा कर लिया था और उससे उनसे स्वात छुड़ाया गया उनसे, और इसमें हुकूमत पाकिस्तान ने अपने वाज़े डिटर्मिनेशन का इज़हार किया, फौज पाकिस्तान ने वाज़े डिटर्मिनेशन का इज़हार किया और उन लोगों को वहाँ से निकाला, और स्वात अब एक पीसफुल जगह है। इसी तरह दूसरे कंसर्न मईशत के बारे में लोगों को बहुत होते हैं कि जी इकानमी शायद बुरा कर रही है या महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अभी रास्ते में आते हुए मैं अखबार पढ़ रहा था तो उसमें वर्ल्ड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो UN की एजेंसी है उसकी रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में फूड प्राइसेस में इंतहाई इजाफा हुआ है और सारी दुनिया में इजाफा हुआ, वर्ल्ड वाइड इजाफा हुआ है और 15% जो है वो इस साल इजाफा हुआ है पूरी दुनिया की में फूड प्राइसेस में। तो फूड प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो एक यूनिवर्सल फिनोमेना है, सिर्फ पाकिस्तान तक नहीं है, और पाकिस्तान एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का हिस्सा है, तो वो अगर कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई चीज कोई एक्टिविटी होती है तो उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान की मईशत पे भी पड़ता है। लेकिन आप इसके साथ साथ देखें कि पाकिस्तान में पिछले साल इतना ज़बरदस्त सैलाब आया जिसने कि फ्लोरिडा जितनी बड़ी स्टेट है उस जितना एरिया पूरा पाकिस्तान में पानी के नीचे आ गया था, खड़ी फसलें जो थी वो तबाह हो गईं, तकरीबन 20 मिलियन लोग जो हैं वो अपने घरों से बेघर हो गए, तकरीबन 4 मिलियन के करीब बच्चे जो थे वो इस फ्लड से इफ़ेक्टेड हुए।
तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और अल्लाह ताला के फजल व करम से हुकूमत पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनकी मदद से, इंटरनेशनल कम्युनिटी की मदद से उस मुश्किल वक्त को ओवरकम किया है। और अब आप देखें कि मेजॉरिटी जो लोग हैं वो वापस अपने घरों में जा चुके हैं, उनको अभी भी सपोर्ट दी जा रही है, उनको घरों को रीबिल्ड करने में हेल्प की जा रही है। लेकिन मैं अहम नुक्ते की तरफ ये आना चाहता हूँ कि इस सारी ख़तरनाक सिचुएशन के बावजूद पाकिस्तान ने क्विकली रिकवर किया है। अब आप देखें कि पाकिस्तान इस साल 2 मिलियन टन वीट एक्सपोर्ट करेगा, बावजूद इसके कि सैलाब आया था, फसलें तबाह हुई, फिर भी क्विकली रिकवर किया है और वीट एक्सपोर्ट किया जा रहा है जो कि हमारे यहाँ सरप्लस था।